देश में 24 घंटे में 541 नए मरीज आए सामने, जबकि कोरोना के 17 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना के कुल केस 5734 मामले, 5095 एक्टिव, मृतकों की संख्या 166, 472 लोग कोरोना बीमारी से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, हर किसी को पीपीई किट की जरूरत नहीं। कहा, देश में पीपीई सप्लाई आनी शुरू हुई। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने 49,000 वेंटिलेटर का दिया ऑर्डर। कोरोना महामारी के इलाज के लिए 25,000 रेलवे के डॉक्टर भी मैदान में उतरे। दिल्ली में लोक नायक अस्पताल में होगा कोरोना के मरीजों का इलाज, जबकि दिल्ली सरकार ने जीबी पंत अस्पताल को जनरल मरीजों के इलाज के लिए किया अधिकृत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 384 के पार पहुंची। कोरोना से अभी तक 28 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 280 नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 1296 के पार पहुंची। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 856 के पार पहुंची। बीएमसी ने मुंबई में 341 इलाकों को किया सील। मातोश्री के बाहर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने ड्राइवर को छुट्टी पर भेजा। उद्धव खुद कार चलाकर मंत्रालय आए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे विधान परिषद के बनेंगे सदस्य। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्यपाल से उद्धव ठाकरे को एमएलसी बनाने की सिफारिश की। कर्नाटक में भी विधायक, एमएलसी और सभी मंत्रियों की सैलरी में 1 साल तक 30% कटौती। येदियुरप्पा कैबिनेट ने वेतन कटौती पर लगाई मुहर। येदियुरप्पा कैबिनेट ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जताई इच्छा। सीएम येदियुरप्पा ने पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद फैसला लेने की बात कही। दिल्ली में पूरी तरह सील इलाके में जरूरी सामानों की सप्लाई के लिए प्रशासन ने बांटे पर्चे। इसमें मेडिकल, फल, सब्जी और राशन की दुकानों के नंबर हैं। ऑर्डर देने पर सामानों की होगी होम डिलीवरी। दिल्ली में रह रहे दिहाड़ी मजदूरों और बेघर लोगों की मदद के लिए रेलवे आई सामने। दिल्ली के 5 बड़े स्टेशनों पर रेलवे लोगों को दोपहर और रात का खाना मुहैया कर रहा है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के इंतजाम की समीक्षा। संक्रमण वाले इलाकों में बनेगी नई रणनीति। मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने पर भी सहमति। ओडिशा में 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, नवीन पटनायक कैबिनेट की बैठक में हुआ तय। ओडिशा सरकार की केंद्र से मांग, 30 अप्रैल तक रेल और हवाई यातायात पूरी तरह से किया जाए बंद। लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बना। कपिल सिब्बल का मीडिया पर बेतुका बयान, तबलीगी जमात पर डंडा चला रही है, उसे करे बंद। पहले वायरस के असर को कम करने पर सब लगाएं जोर, बाद में चीन के साथ क्या करना है सोचे। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए बीएमसी ने वर्ली के इंडोर स्टेडियम को आइसोलेशन वार्ड में बदला। वर्ली के एनएससीआई इंडोर स्टेडियम में 500 बेड की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की रहने की व्यवस्था भी की गई। राजस्थान के जयपुर जिला प्रशासन ने 98 होटल्स और धर्मशालाओं को किया अधिग्रहित, क्वारंटाइन सेंटर बनाने की योजना। इंदौर में कोरोना से डॉक्टर की हुई मौत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की पुष्टि। मौत की संख्या पहुंची 22, कुल मरीजों की संख्या हुई 213। पीएम मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट कर जवाब, लिखा, इस तरह के वक्त में दोस्त करीब आते हैं। भारत अमेरिका पार्टनरशिप पहले से मजबूत है। मानवता की बेहतरी के लिए भारत हर संभव कोशिश करेगा। हम साथ साथ जीतेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को ट्वीट कर दिया धन्यवाद। कहा, ये मदद हमेशा रहेगी याद, मानवता की सेवा की गई। मुंबई में कोरोना की होगी रैपिड टेस्टिंग, केंद्र से मिली मंजूरी। दक्षिण कोरिया से 1 लाख किट्स खरीदे जाएंगे। नोवावैक्स मई में कोरोना की वैक्सीन का मनुष्यों पर शुरू करेगी ट्रायल। दुनिया भर में दर्जन भर कंपनियां दूसरों के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। पंजाब के अमृतसर में कई महीनों से अपने घर में ही कैद नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरु नानक अस्पताल में डॉक्टरों और नर्स के लिए करीब 2000 मास्क और सैनिटाइजर दिए। पीपीई किट देने का भी दिया आश्वासन।
कोरोना के कहर से देश भर में 400 जिले अछूते, इन जिलों में अभी तक नहीं मिले हैं कोरोना के एक भी मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, हर काम प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा। दिल्ली में 93 तबलीगी पॉजिटिव, क्वारंटाइन किए गए तबलीगियों में से 30 से 40% पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात एक हेड कांस्टेबल को भी कोरोना हुआ। FRRO में तैनात है और इमिग्रेशन का काम देख रहा था, यही लोग सबसे पहले विदेश से आने वाले लोगों से मिल रहे थे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,18,000 के पार पहुंची, 88,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 3,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली के सफदरजंग की 2 महिला डॉक्टरों पर हमला करने के आरोप में एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। रिजर्व बैंक ने जारी की मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, लॉकडाउन का इकोनॉमी पर सीधा असर, खाने पीने के सामानों की कीमतों में आएगी कमी, निजी खपत में आएगी काफी गिरावट, महंगाई दर 3.6 से 3.8 रहने का अनुमान। अर्थव्यवस्था के जानकारों का अनुमान, इस साल दिवाली से पहले इकोनॉमी में रिवाइवल की उम्मीद नहीं, वित्तीय घाटे का लक्ष्य बढ़कर 4% या इससे ज्यादा संभव, राहत पैकेज के लिए पैसे जुटाने के चलते वित्तीय घाटा बढ़ सकता है, इंडस्ट्री के नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज पर्याप्त नहीं। गुजरात में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए, इनमें से 50 अहमदाबाद, 2 सूरत से, जबकि दाहौड़, आनंद और छोटा उदयपुर में भी एक एक केस सामने आए। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से महाराष्ट्र लौटे लोगों में से 28 कोरोना पॉजिटिव, 6 विदेशी नागरिक, दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे 50 लोगों के फोन अब भी बंद। महाराष्ट्र के कोरोना संक्रमित सभी शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य है, पुणे, नासिक, नागपुर समेत सभी प्रभावित शहरों में मास्क पहनना जरूरी, मुंबई में BMC ने पहले ही अनिवार्य कर दिया था। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक कुल पॉजिटिव आंकड़ा पहुंचा 413 पर, 30 नए पॉजिटिव मामले आए सामने, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, झालावाड़ और जयपुर से आए नए मामले। बिहार में COVID-19 संक्रमितों की संख्या हुई 51, 11 जिलों में मिले कोरोना के मरीज, 16 ने दी कोरोना को मात। बिहार के सीवान में एक ही परिवार की 4 महिलाएं कोरोना संक्रमित, सभी का इलाज शुरू किया गया। झारखंड में कोरोना से पहली मौत बोकारो में, 4 नए मामले के साथ कुल 5 पॉजिटिव मामले मिले, 72 साल के शख्स की मौत। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, सभी पार्टियां PM मोदी के साथ, जो निर्णय लेंगे सभी को होगा मंजूर, PM की बातों से पता लगा लॉकडाउन का कोई पर्याय नहीं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट में 4G स्पीड की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को जारी किया नोटिस, 1 हफ्ते में मांगा जवाब। आंध्र प्रदेश से कोरोना को लेकर राहत की खबर, 24 घंटे में एक भी नया मरीज नहीं, 217 सैंपल नेगेटिव आए, राज्य में कुल 348 पॉजिटिव। कोरोना से कर्नाटक में अब तक 6 की मौत, 80 साल की महिला की गडक जिले में दिल का दौरा पड़ने से मौत, कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। दिल्ली में कैंसर इंस्टीट्यूट का डॉक्टर, 1 नर्सिंग स्टाफ और 1 सफाई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, 21 हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव मिले, 19 भर्ती मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, अस्पताल के 45 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। भारत को कोरोना संकट से बचाने के लिए करीब 200 प्रवासी संस्थानों ने की मदद की पेशकश, कहा वो देश की हर संभव मदद करने को तैयार। पंजाब में 108 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, बुधवार को भी 9 लोग पॉजिटिव पाए गए, 1 व्यक्ति की मौत। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाई गई, बाघों पर निगरानी के लिए लगाए गए एक्स्ट्रा कैमरे। जम्मू में कोरोना से पहली मौत, जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 4, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 159। लॉकडाउन के बीच किसानों को सहूलियत मुहैया कराने की कोशिश में शिवराज सरकार, कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध कराने के दिए निर्देश,
वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। कॉल सेंटर से मांगी जा सकती है जानकारी और मदद।